हेलो एवरीबॉडी, आई एम जरक शाहजेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जरक क्रिएशन। फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग कुछ इस टाइप का ग्लास रूम बनाना सिखाऊंगा। वीडियो कंप्लीट वॉच के करें, चैनल पर न्यूज चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है और सिंपली यहाँ से न्यू टेक्स्ट उठा के आप लोगों ने कोई भी नेम टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा एज आ लिखने के बाद डन पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। नीचे स्क्रोल डाउन कर देना और ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है। माय फॉन्ट में आकर यहाँ पर आप लोगों ने फॉन्ट लगाना है, कोई भी फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इस फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये फॉन्ट आ जाएगा। हालांकि ये मतलब रिसेंट में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ ये वाला फॉन्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने फॉन्ट लगाना है, फिर आप लोगों ने पैडिंग में ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि नेम दोनों तरफ से ठीक तरह से आ जाए। लेफ्ट राइट आप लोगों ने ज़रूर करनी है। बाकी स्पेस देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ना भी दें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं नहीं देने वाला। आप लोगों ने शेप मैंने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। कार्ड मैंने सेव एज इमेज पे क्लिक करके अल्ट्रा क्वालिटी में रखना, नेम की क्वालिटी इससे खराब नहीं होती। आप लोगों ने सेव टू गैलरी कर लेना है। अब आप लोगों ने आना है एडोब फोटोशॉप टच में। पीएस टच ऐप में आ चुका हूं, आप लोगों ने प्लस पे आना है, फोटो लाइब्रेरी में आना है और सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या, वो फोल्डर डू नॉट जिसमें आप लोगों की पिक पड़ी है, सबसे पहले आप लोगों ने पिक ऐड कर देनी है। तो मैं ये वाली डार्क टाइप की पिक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी डार्क टाइप की पिक यूज कीजिएगा, ठीक है। लाइट वगैरह आप लोगों ने पिक यूज नहीं करनी। और फिर आप लोगों ने करना क्या, सिंपली अपना नेम ऐड कर देना है। कहाँ पे आना है, पिक स्लैब वाले फोल्डर में आना है और यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड कर दूंगा, ठीक है। नेम ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिडल में एडजस्टमेंट करके यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, प्लस पे आना है और दो दफ़ा डुप्लीकेट कॉपी पे डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है। तो ये इसकी तीन लेयर बन जाएंगी। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और टू लाइंस पे आना है, एडजस्टमेंट में रहकर इसको इन्वर्ट कर देना है, तो ये नेम ब्लैक हो जाएगा। फिर आप लोगों ने करना है क्या, प्लस के साथ जो एक ने यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आना है, जिस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैंने एक वाइट डॉट सा ऑन किया, आप लोगों को बड़ी सनी के साथ नजर आ रहा होगा। इसका ब्लेंड मोड पहली लेयर का स्क्रीन करना है, फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है और बेसिक में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। इसका एंगल आप लोगों ने 180 नहीं करना, 135 पे करना है और इसका ब्लर जो 5 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस है जो 6 पे कर देनी है, कलर ब्लैक ही रखना है। टेक पे क्लिक कर देना है। इसका ब्लेंड मोड यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल पहली लेयर की तरह सेम प्रोसेस करना है और इसका जस्ट ब्लेंड मोड आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर थर्ड लेयर में आना है, एफ एक्स में आना है और बेवल में आ जाना है। ब्लर कितना करना है, 45 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 45 पे करनी है, कलर वाइट ही रखना है। एंगल पहला 180 कर देना है और जो दूसरा एंगल है ना ये 45 करना है और जो तीसरा एंगल है ये कितना करना है, 135 पे कर देना है। अच्छा, इतना होने के बाद टू लाइंस पे आना है, एडजस्टमेंट पर रहकर कर्व्स में आना है। कर्व्स की आप लोगों ने ये सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी जो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लैटन कर देना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है, बेसिक में ही रहना है और ग्लो में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने 0.6 ब्लर करना है और कलर वाइट कर लेना है। वाइट कर दिया, फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, पेंसिल में आना है और सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, फिर पेंसिल में आना है और ट्रांसफार्म में आना है, एक्सपेंड पे क्लिक करके इसको फुल करना है और टेक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट हो गया इस नेम के बगैर। अब आप लोगों ने एम्प्टी लेयर ले लेनी है, मतलब खाली लेयर। एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक ले लेनी है और इसकी विथ 4 पे ही रहने देनी, कम ज़्यादा नहीं करनी। फिर एफ एक्स में आना है, बेवल में आना है, 45 से ब्लर हटा के 15 पे कर लेना है और जो डिस्टेंस जो है 45 से हटा के 15 पे कर लेनी है। पहला एंगल आप लोगों ने 180 रखना है और जो दूसरा एंगल है ये कितना करना है, ये आप लोगों ने 45 पे करना है और जो तीसरा एंगल है ये कितना करना है, 135 पे कर लेना है। टू लाइंस पे आना है, कर्व्स में आना है, कर्व्स की ये सेम सेटिंग अप्लाई कर लेनी है और इसको सबसे ऊपर वाली लेयर पर रख देना है और एफ एक्स में आना है और एक दफ़ा इस पर शेडो लगा देनी ताकि ये बैर वाली जो लाइन एंड सिल्वर ये वाजह तौर पर नजर आए। अच्छा, इतना हो गया। फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर देना है, ये मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट करना है, मोड प्लस करना है, टोलरेंस 30 पे होनी चाहिए और कंटिन्यूस की टेक भी ऑन होनी चाहिए। अब ये जो बैर वाला डिज़ाइन है ना, इसको आप लोगों ने ओनली सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने नेम को नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है और इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पे आना है प्लस पे और लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देनी है, ठीक है, और पिक्सल डी सिलेक्ट कर देना है। इस मतलब लेयर को जो आप लोगों ने सिलेक्ट की थी वाइट बनकर आ जाएगा। अब आप लोगों ने एफ एक्स में आना है और बेबल में आ जाना है, ब्लर 45 रखना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 45 पर रखनी है। यहाँ पर 45 आप लोगों ने इसको कर लेना है। पहला एंगल 180 पर करना है, दूसरा एंगल कितना करना है, ये 45 पर करना है और जो तीसरा एंगल ये कितना करना है, ये 135 पर कर देना है। फिर टू लाइंस पे आना है, कर्व्स में आना है, कर्व्स की ये सेम सेटिंग अप्लाई कर लेनी है
और इसको सबसे ऊपर कर देना, मतलब यहाँ से इससे भी ऊपर। फिर एफ एक्स मैन है, फोटू मैन है और ओल्ड सेपिया ले लेना है, और ओल्ड सेपिया भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सनी आफ्टरनून लूँगा। इसको फुल एक दफ़ा गोल्ड कर देना, ये गोल्डन बन गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसके बीच जो जो बैर का ये डिज़ाइन बच गया, मतलब गोल्डन के साथ जो बचा है, ठीक है, इस पे आप लोगों ने प्लस पहनना है, फोटो लेयर मैंने और फोटो लाइब्रेरी मैंने, ये जो गोल्डन के साथ डिज़ाइन बचा है एज अ नेम वाला, इस पे आप लोगों ने एक PNG ऐड करना है। इसका लिंक कहाँ पर मिलेगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने चले जाना है और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला PNG है। इसके लगाने का तरीकाकार क्या, यहाँ पर आप लोगों ने इसको लगाना है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये देखें ब्लैक भी आ रहा है, तो आप लोगों ने घबराना परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को तरीका मैं इधर बता देता हूँ। ऐसे एडजस्टमेंट करके ना आप लोगों ने टेक पे क्लिक कर देना है, फिर आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आना है सेकेंड लेयर में और पेंसिल में आना है और सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। जिस पिक्सल सेलेक्ट हो जाएगा फिर आप लोगों ने यहाँ पर आना है इस वाले PNG में, पेंसिल में आना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये लग गया, लेकिन इसका आप लोगों को सोल्यूशन बता दूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लैटन कर देना है। तो ये देखिए इसके बीचों बीच एडजस्टमेंट हो गया। अब आप लोगों ने एफ एक्स मैन है, बेसिक मैन, और इस पर एक दफ़ा शेडो लगा लेनी है। एक दफ़ा हम फिर और ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी आप सारे वर्ड में खुद लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे वर्ड में आप लोगों को लगा कर दिखाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जहाँ तक हो गया, फिर आप लोगों ने सेकेंड लेयर में आना है और पेंसिल में आना है, सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है, फिर आप लोगों ने ऊपर ही आना है। ऊपर आने के बाद पिक्सल आप लोगों ने पेंसिल में आना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है और इसका जस्ट ब्लेंड मोड यहाँ से लैटन कर दे। लैटन हो गया। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना है कि इस पर एक दफ़ा शेडो ज़रूर लगानी है। शेडो लगाने के बाद आप लोगों ने इसको मर्ज डाउन भी ज़रूर करना है, मतलब आप जो भी नेम लिखो आप लोगों ने मर्ज डाउन करके एफ एक्स में आना है, फोटू में आना है और यहाँ पे ओल्ड सेपिया एक दफ़ा इस पर लगा देना है, इंटेंसिटी फुल और सैचुरेशन भी फुल, ताकि ये इसमें थोड़ा सा येल्लो वगैरह सॉरी गोल्डन टाइप आ जाए। अब आप लोगों ने करना है सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने कुछ PNG लगाने हैं, वो भी मेरे इसी फोल्डर में पड़े हैं तो मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर आऊँगा और ये वाला PNG सबसे पहले मैं लगाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आऊँगा और इसको थोड़ा सा मैं संभाल करूँगा तकरीबन यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने करना है सिंपली यहाँ पे आना है और एक और PNG लगा लेना है, ये वाला। इसको कहाँ पर लगाना है, इसको तकरीबन आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है। फिर आप लोगों ने करना है कि यहाँ तक हमारे PNG लग गए, लेकिन अब हमारी लाइट रहती, लाइट कहाँ पर होगी, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वाली लाइट है। तो बाकी आप जो भी लाइट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आप लोगों ने यहाँ पे आना है और सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, इसको थोड़ा सा भाई बड़ा करना है लाइट को। लाइट ये देखें छोटी हो गई थी, तो इसको आप लोगों ने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। मतलब PNG के लगाने का तरीका मेथड बिल्कुल सेम एक ही है, ठीक है, कोई भी मतलब न्यू तरीका नहीं है। एक और लाइट हमारी रहती वो भी लगानी है, ठीक है, आप अच्छे तरीके से भाई लगा सकते हैं। लेकिन ये देखें इसके बैकग्राउंड में ब्लैक आ रही थी, इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन करें, एंड वाले ऑप्शन में ट्रांसफार्म में आए, इसको रोटेट कर दे। बाकी आप मतलब ये PNG ऊपर वाले PNG और जो बीच में मैंने टेक्सचर ऐड किया, ये सारा आप मतलब भाई वर्ड में कर सकते हैं, लेकिन मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ग्लास वन रेडी है, आप लोगों ने इस डन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है, क्योंकि तरीका मैथड जो मैंने आप लोगों को बताया यही है। शेयर पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फ्रेंड आज की हमारी बात यही थी, वीडियो अगर बड़ी पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।